बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा ऑफ फास बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 38 है हमारा, क्लास प्रेप 6 में मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, डिवीजन। जी स्टूडेंट्स, अब अपने लेक्चर को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रीवियस जो वर्क है, जो हमने आपको होमवर्क दिया था, हम उसको पहले आपसे आपको दिखा देते हैं ताकि आप क्लॉज चेक कर लें। जी स्टूडेंट्स, ये हम आपको दिखा चुके थे, और एक दफ़ा आप नहीं, ये हमारा रहता था 6.2, आप इसको देख लीजिए, और इसी तरह से आपको काम मुकम्मल करना है, क्रॉस चेक कर लीजिए। उम्मीद है इसी तरह से काम किया होगा आप लोगों ने। आगे हम आते हैं पे 6.3, पेज नंबर 131, आप इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 231, क्वेश्चन नंबर 2, 106, क्वेश्चन नंबर 3, 216, क्वेश्चन नंबर 4, 78, क्वेश्चन नंबर 5, 068 हमारा रिजल्ट आया है। जी स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 97, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, 269। 8 हमारे पास, 8 का रिजल्ट आया 150। ओके स्टूडेंट्स, 750 जो हमारे पास डिविडेंड हो गया, डिवाइजर 5 हो गया, क्वेश्चन 150 हो गया, रिमाइंडर 0। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, 103। क्वेश्चन नंबर 10, 71 रिजल्ट आया है इसका, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11, 288, 12, 201। ओके स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, अब हम वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, साकिब हैज़ 40 काइट्स, साकिब के बाद पास जो है 40 काइट्स हैं, पतंग हैं। ही डिवाइड्स दीज काइट्स अमंग 10 बॉयज़ इक्वली, इनको तकसीम करना है, इन काइट्स को 10 बच्चों में, 10 लड़कों में बराबर। हाउ मैनी काइट्स डज ईच बॉय गेट, हर जो लड़का है उसके पास कितनी काइट्स आएंगी, ये हमें देखना है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे काइट कितनी है हमारे पास, 40, और बॉयज़ जो हैं वो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स, 1010, डिवाइड कर दीजिए 10 हमने लिख लिया, 40 10, यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स डबल हैं, तो 10 का टेबल एक एक करके हम पढ़ते हैं। 10 का टेबल मैं कहाँ तक पढूं कि 4 आ जाए, सेकम आए, से ज़्यादा ना आए, ये नंबर छोटा है और डिवाइज़र बड़ा है, तो 10 0 0, 4 हमने उतार लिया, और ये 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 आएगा, 0 हम उतार लेंगे, 10 4 40। ओके स्टूडेंट्स, ईच बॉयज गेट्स 4 काइट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा रिजल्ट आ गया। इसी तरह से उस्मान हैज़ 36 ऑरेंजेस, उस्मान के बाद 36 ऑरेंजेस हैं। ही डिवाइड दिस ऑरेंजेस अमंग 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन में उसको डिवाइड करना है ऑरेंजेस को बराबर इक्वली। हाउ मैनी ऑरेंजेस डज ईच चाइल्ड गेट, हर एक बच्चे के पास कितने ऑरेंजेस आएंगे, इसको आप सबसे पहले लिखेंगे, ऑरेंजेस लिख लीजिए, ऑरेंजेस आपके पास है 36 एंड चिल्ड्रन हमारे पास हैं 3 चिल्ड्रन में, ये 36 ऑरेंजेस आपको डिवाइड करनी है, 3 1 3, हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचा, 6 को हम उतार लेंगे, 3 2 6, 6 में से 6 माइनस कर दीजिए, कुछ नहीं बच रहा हमारे पास। ईच चाइल्ड गेट्स 12 ऑरेंजेस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है, ये दो पार्ट में अब आपको दे रहा हूँ, 15 एंड 16, ये आप खुद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 133 है, आगे चलते हैं पेज नंबर
135 हम शुरू करेंगे आज। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.4 आप यहाँ पर क्लास वर्क लिख लीजिए, डेट आप लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद सॉल्व इट। अब आप ये देख रहे होंगे 10 डिवाइड बाय 75, यहाँ पर भी हमारे पास डिवाइज़र जो है वो डबल डिजिट्स का है। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जितने भी सवाल करे हैं वो सारे के सारे हमारे पास सिंगल डिजिट्स में डिवाइज़र मौजूद था, 3, 6, 4, 8। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक एक को लेकर सॉल्व कर रहे थे, डिविडेंड में वन डिजिट्स को हम पहले सॉल्व करते थे क्योंकि यहाँ पर डिवाइज़र वन था। अब हमारे पास गुंजाइश मौजूद है, डबल डिजिट्स है यहाँ पर डिवाइज़र में, तो हम डबल डिजिट्स को साथ लेकर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, आप इसको देखें। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले एग्जांपल से एक बात समझा देता हूँ। 10 7 ज़ 70, 5 में से 0 माइनस करेंगे ये 0, 5 बच जाएगा हमारे पास, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5। अब इस 0 की बारी है, 0 हम यहाँ उतार लेंगे, 50। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 10 5 ज़ 50, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ, क्या 75 आ जाए, इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए। 10 मतलब 10, 10 टू 20, 10 थ्री ज़ा 30, 10 फोर ज़ा 40, 10 फाइव ज़ा 50, 10 सिक्स ज़ा 60, 10 सेवन ज़ा 70। ओके स्टूडेंट्स, 8 ज़ा तो ज़्यादा हो जाता ना, इस वजह से हमने 7 टाइम्स ले लिया है, 10 सेवन ज़ा 70। माइनस कर दीजिए, बहुत ईजी है, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 7 में से 7 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको क्लियर हो रही है। अब हम डिवाइज़र में लिखेंगे 10, ये डिवाइज़र है, डिविडेंड हमारे पास 75, क्वेश्चन हमारे पास 7 और रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास, 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टेबल है 17 का। अब टेबल आपने याद किया हो नहीं किया हो, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, पहले अपने पास हम टेबल बना लेंगे, अपने पास कम अज़ कम 5 तक टेबल हम लिख लेते हैं। रफ़ वर्क में, रफ कॉपी में आप पहले टेबल को तैयार करेंगे। स्टूडेंट्स, किस तरह से, रफ कॉपी आप एक लेंगे, उसमें आप 17 का टेबल तैयार करेंगे। 17 1 ज़ा 1 7 ज़ा 7 1 1 ज़ा 1। ओके स्टूडेंट्स, 17 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14 का 1 यहाँ, 4 यहाँ, 2 1 ज़ा 2 और एक 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं, 17 3 टाइम्स, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, 17 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, 17 5 ज़ा 7 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 6 7 8 85। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या टेबल तैयार हुआ, 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा हमारे पास क्या आ गया, 68, 17 5 ज़ा हमारे पास क्या आया, 85। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम इसको सामने रखते हुए टेबल सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 17 का टेबल मैं 2 डिजिट्स ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे डिवाइज़र में 2 डिजिट्स हमारे पास मौजूद है, डिवाइज़र जो है 2 डिजिट्स का है। 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, जी बिल्कुल, हम 2 ज़ा 34 ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 6 में से 4 माइनस कर दीजिए 2, 3 में से 3 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा,
अब इस 9 की बारी है, इस 9 को हम यहाँ उतार लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 17 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 29 आ जाए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए। 17 वन ज़ा 17, टू ज़ा तो ज़्यादा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 9 में से 7 माइनस कर दीजिए 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? अब हम लिख लेते हैं डिवाइजर हमारे पास 17 एंड डिविडेंड हमारे पास 369 और इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो 21, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 12। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इस तरह के जो बड़े टेबल्स हैं इनके लिए आप रफ कॉलम में रफ वर्क एक आप सफ़े पर कर सकते हैं, कॉपी में कर सकते हैं अपने, इस तरह से आप टेबल को तैयार करें। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छी तरह से आती है, टेबल आपको याद हैं, छोटे टेबल्स आपको याद हैं, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव टाइम्स हमने टेबल तैयार कर लिया है। इसी तरह से आप क्वेश्चन 13 के लिए आप अपना टेबल तैयार कर सकते हैं, 14 के लिए कर लीजिएगा, 20 है, 3 का टेबल ये तो ईजी है, ये आप कर सकते हैं, 5 का टेबल भी ईजी है, 15 का टेबल भी ईजी होता है वैसे। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से 12 का टेबल आपको याद होगा अच्छी तरह से, 15 का टेबल ईजी होता है, 11 का टेबल तो बहुत ईजी होता है, इसके लिए भी आपको टेबल तैयार करने की ज़रूरत नहीं होगी। 16 के लिए अलबत्ता आपको टेबल तैयार करने की ज़रूरत होगी, तो आप टेबल तैयार करके ये तमाम काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। ये दो पार्ट्स मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम के दिए हैं, 15 एंड 16। उसके बाद हमारे पास 2, 3, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10, 11, 12 ये आपको होमवर्क होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको मुकम्मल करें, टेबल अच्छी तरह से याद करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।